अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ASUS कंपनी का राउटर जो कि वाईफाई 6 में है। इस वीडियो में हम इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना, इसके वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना, इसको रिपीटर मोड पे चलाना और इसको आई मैश राउटर और आई मैश नोड बनाने के इन्फॉर्मेशन देंगे। ASUS कंपनी के इस राउटर का मॉडल है RTAX57M। इस राउटर की वाईफाई स्पीड 3000 MB/s है। ये राउटर 2.4 GHz पर 574 MB/s स्पीड थ्रो करता है, जबकि 5 GHz पर 2402 MB/s स्पीड थ्रो करता है। RTAX57M का प्रोसेसर 1.7 GHz का है। 128 MB की फ्लैश मेमोरी है, जबकि 256 MB की रैम है। 2.4 और 5 GHz के सिग्नल थ्रो करता है। आप इस राउटर को एक्सेस पॉइंट, आई मैश नोड, आई मैश राउटर, मीडिया ब्रिज, रिपीटर और एज अ राउटर यूज कर सकते हैं। RJ45 की 5 पोर्ट्स हैं, जिनमें से 4 लैन पोर्ट्स हैं और एक वैन पोर्ट है। तमाम पोर्ट्स इसकी गीगाबिट्स में है। WPS का बटन, रीसेट का बटन और पावर ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। पावर सप्लाई इस राउटर की 12 volt 1.5 ampere की है। इस राउटर का वेट 374 ग्राम है। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इस राउटर को सेटअप कैसे करना है ये सारा तरीका कर देखते हैं। जी दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे अपने राउटर का डिफॉल्ट आईपी लगाएंगे जो कि 192.168.50.1 है। एंटर करेंगे, राउटर का मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एडवांस सेटिंग है और क्रिएट अ न्यू नेटवर्क है। आप क्रिएट अ न्यू नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, मैनुअली सेटिंग दी गई है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ट्रिपल पीओ की ऑप्शन दी गई है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे। यहाँ आप अपना ट्रिपल पीओ का अकाउंट डायल कर लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑटोमेटिक आईपी भी इसको यूज कर सकते हैं और यहीं से आप इसको आई मैश नोड भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स दी गई है, ये आप चेक कर लें। यहाँ पर आई मैश नोड की ऑप्शन दी गई है, चूज ऑपरेशन मोड की ऑप्शन दी गई है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। वायरलेस राउटर मोड की ऑप्शन आ जाएगी, रिपीटर की ऑप्शन आ जाएगी, एक्सेस पॉइंट आप बना सकते हैं, मीडिया ब्रिज बना सकते हैं और AI मैश बना सकते हैं। ASUS RTAX57M को यहाँ पर हम एज अ वायरलेस राउटर यूज करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर स्टेटिक्स आईपी है और आप यहाँ पर ऑटोमेटिक आईपी पे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक आईपी पे हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क SSID नेम है, वाईफाई का नेम यहाँ पर लगा देंगे, सिक्योरिटी की लगा देंगे, वाईफाई का पासवर्ड आप यहाँ पर लगा देंगे, इसको आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। राउटर के एडमिन वाला नेम और उसका पासवर्ड आप यहाँ पर चूज करेंगे। सिंपल हम यहाँ पर एडमिन इसका नेम रखेंगे, पासवर्ड यहाँ पर हम लगा देंगे अपनी मर्जी का कोई सा भी, नेक्स्ट कर देंगे इसको। जी दोस्तों, यहाँ पर राउटर की सेटिंग ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पर राउटर को फुली सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर नेटवर्क मैप दिखाया जा रहा है, यहाँ से भी आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा गेस्ट नेटवर्क आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। 2.4 और 5 GHz के गेस्ट नेटवर्क दिए गए हैं। कंट्रोल की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पर आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजर की ऑप्शन है, यहाँ पर आप QoS के जरिए बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। QoS को आप ऑन कर देंगे, यहाँ पर आप बैंडविड्थ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी वायरलेस और वायर डिवाइसेस होंगी आपके सामने शो हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर हमारा एक PC शो हो रहा है। यहाँ हम स्पीड लगा देंगे, डाउनलोड स्पीड और अपलोडिंग स्पीड, और इसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ये PC ऐड हो जाएगा। इसके अलावा मजीद जो भी डिवाइसेस आपके इस राउटर के साथ कनेक्टेड होंगे तमाम की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। आप अलग अलग से हर किसी को बैंडविड्थ स्पीड दे सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक मॉनिटर है और इंटरनेट की स्पीड है। आप ऑनलाइन यहाँ पर स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। अभी हमने इस राउटर में इंटरनेट नहीं दिया तो यहाँ पर अभी स्पीड शो नहीं हो रही। एडवांस सेटिंग में आपको वायरलेस की सेटिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आप वायरलेस को सेटअप कर सकते हैं। इनेबल स्मार्ट कॉन्टैक्ट की ऑप्शन है, यहाँ पर आप एक ही नाम और एक ही पासवर्ड के साथ दोनों बैंड्स की वाईफाई यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पाकिस्तान नेम रखा हुआ है और हमने इसका जो पासवर्ड रखा है वो आप 5 GHz पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों बैंड्स के अलग अलग से नाम रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑफ कर देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान 2.4 GHz के लिए रखा गया है और आप यहाँ नीचे 5 GHz के लिए कोई और नाम भी रख सकते हैं। आप पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वायरलेस मोड आप चेंज कर सकते हैं, वाईफाई 6 मोड यहाँ पर आप इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। चैनल बैंडविड्थ है 20 MHz और 40 MHz, ये आप ऑटो पे रखें। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल चैनल है, ऑटो पे रहने दें, कोई भी चैनल आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको की मिल जाएगी, यहाँ से आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकेंगे। 5 GHz में भी सेम ऐसे ही आप यहाँ पर नाम चेंज करेंगे। वायरलेस मोड यहाँ पर दिया गया है, वाईफाई 6 आप डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। चैनल बैंडविड्थ है जो कि 20, 40, 80 और 160 है। वाईफाई 5 में आपको 80 MHz तक चैनल मिलते हैं, जबकि इसमें 160 MHz तक आपको चैनल दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल चैनल है। इसके अलावा नीचे आप यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकेंगे। सेटिंग को अप्लाई करेंगे तो आपकी सेटिंग सेफ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर WPS की सेटिंग है, WDS की सेटिंग है, वायरलेस माइक फिल्टर है, ब्लैक लिस्ट की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद लैन की सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको IP एड्रेस मिल जाएगा, ये आप यहाँ पर इजीली चेंज कर सकते हैं। DHCP सर्वर की ऑप्शन दी गई है, अगर आप इसको इनेबल और डिसेबल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। रूट की ऑप्शन है, IPTV की ऑप्शन है, स्विच कंट्रोल की ऑप्शन दी गई है। वैन की सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना कनेक्शन टाइप चूज करेंगे, आप स्टेटिक्स पे, ट्रिपल पीओ पे, WPTP पे और L2TP पे इसको सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा IPv6 की सेटिंग यहाँ पर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। VPN की सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, मुख्तलिफ VPN यहाँ पर दिए गए हैं, WPTP, OpenVPN, IPsec VPN, WireGuard VPN दिए गए हैं, इनकी आप यहाँ पर सेटिंग इजीली कर सकते हैं। फायरवॉल की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पर आप फायरवॉल को मैनेज कर सकते
सकते हैं, यूआर फिल्टर की ऑप्शन दी गई है, यहाँ आप कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, कीवर्ड की ऑप्शन दी गई है, कोई भी कीवर्ड आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप राउटर का मोड चेंज कर सकते हैं, वायरलेस राउटर मोड, एक्सेस मोड, रिपीटर मोड, ब्रिज मोड, आई मैश मोड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम इस राउटर को एज अ वायरलेस रिपीटर कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम लॉक्स दिए गए हैं, नेटवर्क टूल्स दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये राउटर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें, हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस राउटर के हवाले से या नेटवर्किंग के हवाले से कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और हर वीडियो के एंड पे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया, आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।